हेलो गाइस, मेरा नाम नवीन सिंह है। आज हम सीखेंगे आई ए एम। आई एम का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो फिर हमें एक्सेस मैनेजमेंट की जरूरत क्यों होती है? ठीक है, हमें एक्सेस मैनेजमेंट की क्यों जरूरत होती है? जब हम कोई भी विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं या फिर लाइनक्स इंस्टॉल करते हैं, तो सबसे पहला जो यूज़र होता है वो हर समय एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, और सेकंड लाइनक्स में बनता है रूट। ठीक है, तो फिर क्या होता है, उसके बाद हम लोग यूज़र्स बनाते हैं, उसके बाद हम लोग ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि कोई भी पीपल, कोई भी यूज़र डायरेक्टली आपके रूट अकाउंट या फिर एडमिन अकाउंट से लॉग इन नहीं करता है। अगर कुछ क्रिटिकल कंडीशन आ गया, कोई अगर समझो कुछ एरर आ गया या फिर कुछ भी आ गया, तो उस हालात में वो सीधा उसको लॉग इन करता है अपने एडमिन या फिर रूट अकाउंट से। और अपना वो उसमें काम करता है आराम से। अभी क्या हो गया? ठीक है, फिर वो अपना वो कहाँ पे काम करता है, तो ठीक है। अब ए डब्ल्यू एस में आई एम का क्या रोल है? अब ये देखते हैं। ए डब्ल्यू एस में जब हम कोई ए डब्ल्यू एस अकाउंट बनाते हैं, तो जो हमारा ईमेल आईडी होता है, ये हमारा रूट यूज़र होता है। ये हमारा रूट यूज़र है, और जब भी हम लॉग इन करेंगे तो हम लोग एज अ रूट यूज़र हम लोग लॉग इन होते हैं। ठीक है गाइस, अभी मैंने लॉग इन किया इसे। तो ये मेरा लॉग इन हो गया, तो अभी मैं रूट यूज़र हूँ, तो फिर मेरे को फुल एक्सेस है सब में। तो फिर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं खोलता हूँ आई ए एम। आई ए एम करके टाइप करो और एंटर मारो, तो सीधा आई ए एम खुलेगा आपका। नहीं तो नीचे नीचे आप ढूंढ सकते हो वहाँ पर कहाँ पर आई ए एम है। तो आई एम है, ये है आई एम का डैशबोर्ड। अभी मेरे एक भी यूज़र नहीं है, ग्रुप एक भी नहीं है, रोल हमारा बना हुआ है और मेरे पॉलिसी तीन है। अभी क्या हुआ कि जो ये आई एम का है, आई एम के कितने कंपोनेंट है, कितने पार्ट्स है, टाइप्स कितने हैं? तो आई एम के चार पार्ट्स होते हैं। एक ग्रुप्स होता है, एक यूज़र्स होता है, एक रोल्स होता है, और एक आपका पॉलिसी होता है। ये चार कंपोनेंट है आई एम के। ग्रुप तो आपको पता ही होगा, एक एक करके हम लोग कवर करते हैं। ग्रुप ग्रुप होता क्या है? ग्रुप आपका एक्चुअली क्या होता है? ग्रुप क्या होता है? ग्रुप एक्चुअली ये होता है कि हम लोग एक ग्रुप बना देंगे। समझो कि आपके पास 10 यूज़र है आपके वहाँ पर। अलग अलग डिपार्टमेंट के 10 यूज़र है। तो एक तो आपका, तीन जो आपके अकाउंटेंट्स हो गए, और बाकी चार जो है वो आपका UI UX है, और बाकी जो तीन है वो आपका कोई टेक्निकल सपोर्ट है, सपोर्ट वाला है ए डब्ल्यू एस का। तो आप क्या करोगे, आप अकाउंटेंट्स माने डाटाबेस वाले। तो फिर आप क्या करोगे, आप एक ग्रुप बनाओगे अकाउंटेंट्स के लिए अलग से पॉलिसी, आपका जो है UI UX के लिए अलग से पॉलिसी, और आपका जो सपोर्ट के लिए है अलग से, AWS सपोर्ट के लिए अलग से पॉलिसी। तो हम लोग जो भी यूज़र बनाएंगे, हर एक, अगर हमारे पास अभी तो ठीक है मैं 10 बना रहा हूँ, कल को अगर मेरे को 100, 200, 250 बनाना पड़े, और सबको मैं अलग अगर मैं सबको अलग अलग पॉलिसी अगर सबका मैं देता रहूँगा, तब तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो मैं सीधा करूँगा, ग्रुप का एक पॉलिसी बनाऊँगा, ग्रुप के अंदर पॉलिसी दे दूँगा, और सारे के सारे मतलब डिपार्टमेंट के हिसाब से मैं यूज़र्स को उस ग्रुप में एंटर कर दूँगा। तो पहले हम लोग ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए ग्रुप में आप क्लिक करोगे क्रिएट ग्रुप। यहाँ पर मैं आपको कुछ भी लिख दूँ, आप, मैं लिख देता हूँ AWS डेमो। और क्लिक ऑन नेक्स्ट। और यहाँ पर अब फर्स्ट यूज़र है ये। सॉरी, पॉलिसी है ये। पॉलिसी में मैं क्या करता हूँ, EC2 एक्सेस का मैं देता हूँ इसको फुल कंट्रोल। EC2 फुल एक्सेस, ये रहा EC2 फुल एक्सेस, इसको मैं देता हूँ सिलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ,
और क्रिएट ग्रुप कर देता हूँ, और सेकंड यूज़र बनाता हूँ जो आपका S3 के लिए होगा, AWS Demo 2। ओके, क्लिक करो नेक्स्ट पे, यहाँ पर करो S3 फुल एक्सेस, ये रहा S3 फुल एक्सेस, सिलेक्ट करो और नेक्स्ट करो एंड और क्रिएट ग्रुप कर दो। ओके, अभी मेरे दो ग्रुप बन गए। अगर मैं इस ग्रुप में अंदर जाता हूँ तो फिर यहाँ से मैं डायरेक्टली किसी भी यूज़र को ऐड कर सकता हूँ। ओके, लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी कोई यूज़र नहीं बनाया, तो यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ या फिर यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, और दूसरा मैं यहाँ से परमिशन इसको दे सकता हूँ। तो अभी मेरे पास क्या परमिशन है, इसको EC2 एक्सेस करने का परमिशन दे के रखा हुआ है। ओके, और मैं यहाँ पे क्लिक करके और भी इसको परमिशन ऐड कर सकता हूँ कि हाँ भाई EC2 एक्सेस कर रहा है ये बंदा, तो फिर ऐसा करो S3 भी दे दो इसको। ओके, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके अटैच कर दूंगा सिंपल, तो इसको दो दो दोनों परमिशन मिल गए। लेकिन अगर आपको S3 नहीं देना तो सिंपल सा इसको डिटैच कर दो, इसको सिंपल सा क्लिक करो और डिटैच में क्लिक करके इसको हटा दो, अटैच एंड डिटैच। ओके ओके नाउ सॉरी, अब क्या करना है, एक्सेस में, एक्सेस में क्या है, एक्सेस में अभी कुछ है नहीं ग्रुप का, तो अभी कंटेंट कुछ भी नहीं है, तो फिर अभी दिखाएगा नहीं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि ग्रुप को कैसे बनाते हैं। ओके, अब दूसरा है हमारा यूज़र। ओके, अब यूज़र क्या होता है, ठीक है, अब यूज़र क्या होता है, यूज़र वो होता है जो जितने भी आपके एम्प्लॉय होते हैं या फिर जो भी डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं, इंसान होते हैं, उसको उसका एक हम लोग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, जो AWS में काम करेगा। तो यूज़र वही है, यूज़र कुछ नहीं होता, जो भी नया एम्प्लॉय आएगा उसका सीधा ऐड कर दो, वो यूज़र कहलाता है, पीपल को यूज़र कहते हैं। ओके, तो यूज़र ऐड करने के लिए हम लोग सीधा क्लिक करेंगे ऐड यूज़र, यहाँ पर मैं देता हूँ फ़िलहाल तो मैं अपना नाम लिखता हूँ। ओके, और इसको एक प्रोग्रामेटिक एक्सेस, और इसको मैं AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस, ये दोनों परमिशन दे देता हूँ। और इसका एक, क्योंकि ये मैं हूँ, क्योंकि मेरे को रूट से काम नहीं करना, तो मैं इस यहाँ से काम करूँगा, अपना यूज़र बना के काम करूँगा। और यहाँ पे पासवर्ड में आपको अपना कोई भी पासवर्ड आप दे दो, और मैं नहीं चाहता कि ये रिसेट हो, ठीक है, यही पासवर्ड मेरे को देना है। अब इसका क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे। ओके, नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद अब ये कह रहा है कि ग्रुप के इसको ऐड करो, तो फिर मेरे को इसको ग्रुप के ऐड नहीं करना, क्योंकि मैंने ग्रुप बना के रखा है, इसलिए ग्रुप दिखा रहा है, अदरवाइज वो ग्रुप नहीं दिखाता। तो फिर मैं क्या करूँगा, और या तो फिर ये सेकंड ऑप्शन दिखाता है कॉपी परमिशन फ्रॉम एक्सेप्टिंग यूज़र, कोई भी और भी यूज़र का कोई होगा सेम टू सेम, उसका मैं कॉपी ले सकता हूँ, कर सकता हूँ, क्लिक करूँगा, तो फिर अगर कोई और यूज़र होगा तो उसको मैं सिलेक्ट करके नेक्स्ट करके कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा पहला यूज़र है, तो फिर मैं क्या करूँगा, अटैच करूँगा पॉलिसी डायरेक्टली। ओके, यहाँ पर मैं दे देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, एंड एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे देता हूँ मैं। ओके, ये फुल एक्सेस है एडमिनिस्ट्रेटर का। उसके बाद मैं करता हूँ क्लिक में, नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ, और नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद क्रिएट में क्लिक कर देता हूँ। ओके, अभी मेरा यूज़र क्रिएट हो रहा है। यूज़र क्रिएट होने के बाद ये हमें दो चीज़ मिलता है, एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की आईडी। जब आप AWS CLI में काम करोगे तो फिर ये काम आता है उसमें, ठीक है। तो फिर मैं ये करता हूँ, इस फाइल को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, मेरे को ये फाइल चाहिए, ठीक है। तो फिर इसको मैंने डाउनलोड कर लिया डेस्कटॉप पे, और इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये मेरा आ गया यूज़र नेम, और ये मेरा आ गया पासवर्ड तो है ही नहीं, दिखाएगा नहीं, ये मेरा एक्सेस सीक्रेट की आ गया। ओके, एक्सेस की आ गया और ये सीक्रेट एक्सेस की आ गया, ठीक है, थोड़ा लंबा है ये, ठीक है। तो ये मेरा लिंक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ पर पेस्ट को, सॉरी पेस्ट कर देते हैं, गलती कर दी मैंने, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और इसको मार दो डिलीट, ठीक है। सॉरी, अब ये मेरा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे
तो फिर और इसको क्लोज कर देता हूँ, इसका मैंने फाइल डाउनलोड कर लिया। ये याद रखना, सीक्रेट की जो होता है, ये जो सीक्रेट की होता है इसको कॉपी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने कॉपी नहीं किया तो ये सिर्फ फर्स्ट टाइम दिखाता है क्रिएट करते समय, उसके बाद वो दिखाएगा नहीं। ओके, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी जरूर कर लेना। अब मेरा यूज़र बन गया, ठीक है। अब मैं दो और यूज़र बनाता हूँ, Demo1, ठीक है। इसको मैं देता हूँ AWS मैनेजमेंट कंसोल, ठीक है। ये मैनेजमेंट कंसोल में काम करेगा, और इसका मैं बना देता हूँ पासवर्ड, मतलब दे देता हूँ, और इसको नॉट रिसेट और नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इसको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। तो पहले वाले को मैं इसको AWS डेमो में दे देता हूँ जिसके पास EC2 का फुल एक्सेस है। ओके, और मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट और क्रिएट में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। क्रिएट में करने के बाद अब मैंने ये जो यूज़र बनाया, इसमें लास्ट टाइम तो मेरे पास एक्सेस आईडी की आया था, ओके, और सीक्रेट सीक्रेट की आया था, लेकिन इसमें मेरे को शो नहीं कर रहा, इसमें दिखाई नहीं रहा। क्यों नहीं दिखा रहा भाई? ये इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने दिखाया जाता हूँ मैं क्यों नहीं दिखाया। ये क्लोज़ कर देता हूँ इसको। जब आपने, मतलब मैंने जब ये क्लिक किया था, क्रिएट किया था, और यहाँ पर जब मैंने बनाया था यूज़र, ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट किया था मैनेजमेंट कंसोल को, ठीक है। मैनेजमेंट कंसोल वाले को सीक्रेट एक्सेस की और सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। हर समय प्रोग्रामेटिक एक्सेस वालों को, जो डेवलपर होते हैं, जो डेवलपमेंट टूल करते हैं, उनको एक्सेस की जरूरत होती है, ठीक है। अब मैं इसको प्रोग्रामेटिक एक्सेस की में क्लिक करके सिलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ, और इसको सेकेंड ग्रुप में डाल लेता हूँ मैं, और इसको नेक्स्ट करता हूँ। और अब मैं इसको क्रिएट करूँगा तो अब मेरे पास एक्सेस की और सिक्योरिटी की दोनों दिखाएगा, ठीक है। ये रहा मेरा एक्सेस की और ये मेरा सिक्योरिटी की, अभी मेरे दोनों दिखा रहा है। ओके, अब समझ गए आप। अब इसको क्लोज कर दो, कॉपी करने के बाद क्लोज कर दो, वैसे कॉपी क्लोज मत करना फाइल को, या फिर डाउनलोड कर लो, या फिर सीधा उसको नोटपैड में कॉपी कर लो, ठीक है। अब मैं जाता हूँ ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में जैसे AWS से डेमो का ये मैंने सेकंड जो ग्रुप है इसमें मैं क्लिक करता हूँ, और इसको मैंने फुल एक्सेस दे के रखा हुआ है। ओके, पहले मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ। डैशबोर्ड में जाने के बाद, डैशबोर्ड में जाने के बाद ये मेरा लिंक है। ओके, या तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, या तो मेरे पास जो मैंने एक्सेल में किया था, एक्सेल में ये लिंक है, तो इसको मैं सीधा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके गाइस, अब कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ दूसरे ब्राउज़र में, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ और एंटर मारता हूँ। ओके, अब मैं देखता हूँ कि जो मैंने सिक्योरिटी दे रखी है उसका कोई फ़ायदा है या नहीं है। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये मैंने ग्रुप ग्रुप बना दिया था, इसको मैं साइन आउट कर देता हूँ। ओके, और इसका इसमें भी मैं वो ओपन करता हूँ जो लिंक है, ठीक है, जो मैंने नबीन का यूज़र से बनाया था उसका लिंक कॉपी करता हूँ, उसको यहाँ पर ओपन करके यहाँ पे दे देता हूँ नबिन। ओके, पासवर्ड दे देता हूँ अपना और सीधा लॉगिन करता हूँ। तो मैंने इसको दे रखा है फुल एक्सेस, पहला यूज़र जब बनाया था उसको मैंने फुल एक्सेस दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे के रखा हुआ है। तो फिर अब मैं कहीं पर भी जाऊँगा, EC2 में मैं गया, मैं आराम से EC2 का वो कुछ भी लॉन्च कर सकता हूँ, इंस्टेंस या इलास्टिक लोड बैलेंस क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, अब मैं जाता हूँ सेकेंड यूज़र में। सेकेंड यूज़र में मैंने क्या बनाया था, Demo1। ओके, और पासवर्ड दे देता हूँ। ओके, सेकेंड यूज़र जो ये Demo1 का यूज़र है, इसको मैंने EC2 एक्सेस दे के रखा हुआ है। ओके ओके, अभी ये लॉगिन हो रहा है, ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये VPN के थ्रू कनेक्ट करके रखा हुआ है मैंने, नहीं तो फिर वो मेरा दूसरा वाला लॉगिन मेरे को फिर से करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया है, Demo1 से मेरा लॉगिन हो गया। अब मैं जाता हूँ EC2 में, और EC2 में खोल के देखता हूँ कि EC2 में मैं काम कर सकता नहीं कर सकता। हम्म,
ओपन इट ओपन इट ओपन इट ओपन इट ओपन इट। ओके तो टाइम लगेगा इसको ओपन होने में। ओके तो फिर मैं अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि इंस्टेंस का ये सारा सब कुछ बता रहा है, इलास्टिक एपी मेरे पास कितना है, रनिंग इंस्टेंस कितना है, सिक्योरिटी ये सब कुछ दिखा रहा है मेरे को। ओके अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने एडमिन एक्सेस में, नबीन में गया मैं, और यहाँ पर मेरा आईएमए में जाता हूँ, और आईएमए में जाके मैं इसका परमिशन हटा देता हूँ। मैं यूज़र से नहीं हटाऊँगा, मैं ग्रुप से हटाऊँगा। ओके तो मैं क्या करता हूँ, आप यूज़र से भी हटा सकते हो, ग्रुप से भी हटा सकते हो। तो फिर ये है, ये मेरा इस ग्रुप का है, यूज़र मेरा डेमो वन है, ठीक है। मैं इसका परमिशन हटा देता हूँ, परमिशन क्या हटाता हूँ कि ये एक्सेस नहीं कर पाए EC2 को, ठीक है। मैं इसको ये हटा देता हूँ। ओके अब मैं चाहता हूँ डेमो वाले में आ गया मैं। अब डेमो वाले में इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद हम देखेंगे कि ये अब मेरे को नहीं दिखाएगा, रनिंग इंस्टेंस जो वन दिखाया था वो अब मेरे को नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली बोला है कि आपको परमिशन नहीं है। ओके सॉरी, यू आर नॉट ऑथोराइज टू डिस्क्राइब रनिंग इंस्टेंस। ओके रनिंग इंस्टेंट, इलास्टिक आईपी, इलास्टिक लोड बैलेंस, ऑटो स्केलिंग कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को ये राइट दिया ही नहीं है, मेरा राइट हटा दिया गया है। अब मैं जाता हूँ एडमिन में, कहाँ गया एडमिन। ओके ये रहा एडमिन मेरा, ठीक है। अब इसको मैं पॉलिसी ऐड कर देता हूँ। ओके EC2 फुल एक्सेस, ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ ये पॉलिसी, ये काम आएगा मेरे को बाद में, ठीक है। अब यूज़र को हमने क्रिएट करना आ गया और ग्रुप को क्रिएट करना आ गया, दो चीज़ आ गया हमें, ठीक है, अटैच डी अटैच दोनों आ गया हमें। ग्रुप को अगर ये बन गया है तो फिर इसको कैसे डिलीट करना है, सीधा सिलेक्ट कीजिए और डिलीट मार दिए, यूज़र आपका डिलीट हो जाएगा। चलिए इसको मैं सिलेक्ट किया और डिलीट यूज़र, मेरा यूज़र पहले ये देखेगा कि क्या लगता है कि हाँ भी ट्रैकिंग पीरियड में है या नहीं है, नहीं है तो फिर ये सीधा यस करके डिलीट हो जाता है। ओके थर्ड है आपका कंपोनेंट, आपका रोल्स। रोल्स क्या होता है, रोल्स बिल्कुल यूज़र की तरह होता है, ठीक है, लेकिन रोल जो होता है वो आपके कोई भी एप्लीकेशन है उनके लिए होता है, और जो यूज़र होता है वो इंसानों के लिए होता है। ओके तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रोल हम क्रिएट करते हैं। जैसे मैं क्रिएट करता हूँ, क्लिक कीजिए क्रिएट रोल में, और यहाँ पर ये सर्विस है, तो सर्विस में मैं क्या करता हूँ, सर्विस में मैं EC2 में जाता हूँ और EC2 में क्लिक करता हूँ, भाई मैं रोल कर रहा हूँ सिलेक्ट। ओके रोल हर समय याद रखना किसी यूज़र की तरह होता है, लेकिन ये एप्लीकेशन के लिए होता है, ना कि यूज़र्स के लिए होता है। ओके मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ नेक्स्ट में। ओके नेक्स्ट में करने के बाद ये रोल कभी भी किसी यूज़र के से लिंक नहीं होता है। ओके ये डायरेक्टली आपके इंस्टेंस से होता है, इंस्टेंस हो गया या फिर कुछ भी हो गया, RDS हो गया आपका। ओके यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ S3, कहाँ S3 फुल एक्सेस, इसको सिलेक्ट करता हूँ और करता हूँ नेक्स्ट, और यहाँ पर रोल दे देता हूँ S3, यहाँ पर भी दे देता हूँ S3 ताकि मेरे को आसानी से मैं ढूंढ सकूँ इसे, और क्रिएट रोल में क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा रोल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये रोल क्रिएट तो हो गया, अब इसको मैं यूज़ कैसे करूँ, इसको यूज़ करने के लिए हम जाएंगे सर्विस में, EC2 आप खोलिए। ओके EC2 में गए, EC2 में जाने के बाद मैं इंस्टेंस में क्लिक करूँगा, इंस्टेंस में ये एक रनिंग दिखा रहा है। ओके ये मेरा रनिंग दिखा रहा है, दो तरीके होते हैं, या तो आपको फिर से एक नया वेब सर्वर आपको बनाना पड़ेगा, और वेब सर्वर बनाने के लिए क्लिक करिए लॉन्च इंस्टेंस में, उसके बाद सिलेक्ट कीजिए ओपन सिस्टम, उसके बाद इसको डिफ़ॉल्ट रखते हैं, डेमो के लिए है। यहाँ पर मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लूँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर मेरे को IMA रोल सिलेक्ट करना है, कौन से रोल को करना है मेरे को, मेरे को S3 करना है, तो मैं S3 को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से।
यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए वीपीएम, अगर पब्लिक आईपी चाहिए कनेक्ट करना है तो यस कीजिए, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट में छोड़ दीजिए, डिफ़ॉल्ट आप सर्च में डिसेबल रहता है अगर आपने वीपीएन मैन्यू अपना वीपीएन चुना है तो। ओके यहाँ पे मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। और ये किसके अंडर में आएगा, ये आएगा इसके अंडर में। ओके अब लेकिन जो पहले से जो रनिंग इंस्टेंस है इसको मैं रन कर देता हूँ। ओके और इसको स्टार्ट कर देता हूँ मैं, और इसको मैं कर देता हूँ स्टॉप, ये मेरे को चाहिए नहीं। ओके अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी ये आपका मेरा रनिंग इंस्टेंस मेरा भी ये है, इसको मैंने रन किया है, इसको थोड़ा टाइम कह रहा है लगेगा, कोई नहीं टाइम लगने दो। तो मैं क्या करता हूँ, इस इंस्टेंस को का जो रोल बनाया था मैंने यहाँ पे, इसके साथ अटैच करता हूँ। तो अटैच करने के लिए क्या है, सिलेक्ट करो कि अपने इंस्टेंस को, एक्शन में जाना है, इंस्टेंस सेटिंग, इंस्टेंस सेटिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है अटैच और रिप्लेस आई एम ए रोल, यहाँ पे क्लिक करोगे आप और यहाँ पे आई एम ए रोल सिलेक्ट करोगे, मेरा S3 है, ये S3 सिलेक्ट किया, अप्लाई किया और क्लोज किया। तो ये भी मेरा ये आई में जो रोल है ये इसमें अटैच हो गया। अब मैं यहाँ पर कोई भी काम करूँगा, कोई भी एप्लीकेशन वर्क का को डिप्लॉय करूँगा, तो फिर वो ऑटोमेटिक मेरे उसके साथ कनेक्टिविटी है S3 के साथ उसमें ये शो करेगा। ओके क्लाउड वॉच को जैसे मैंने लास्ट वीडियो में क्लाउड वॉच का भी आप दे सकते हो, क्लाउड वॉच को जैसे मैंने किया था एक रोल बना के सीधा इंस्टेंस के अटैच कर दिया था, वैसे ही ये काम करता है। ओके सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या हो गया, रोल हो गया। अब पॉलिसीज़ क्या होती है, ठीक है पॉलिसीज़ में जाते हैं। पॉलिसीज़ क्या होती है, पॉलिसीज़ वही होती है जो जिसको जो जब हम कुछ रोल सिलेक्ट करते हैं तो रोल जब क्रिएट करते हैं, ये यूज़र क्रिएट करते हैं, किसी को परमिशन देते हैं, तो फिर हम लोग पॉलिसी सिलेक्ट करते हैं। इसी पॉलिसीज़ में सब कुछ होता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस यहीं पर ही है। आपको क्या देख चाहिए, EC2 फुल एक्सेस, EC2 फुल एक्सेस, ये रहा S3 फुल एक्सेस चाहिए, S3 फुल एक्सेस ये रहा। तो ये सब ये आपकी पॉलिसीज होती है। ओके आप अपना पॉलिसी अगर क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पर क्लिक करके आप पॉलिसी को खुद को क्रिएट भी कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक कीजिए कौन सी सर्विस चाहिए, वो सर्विस आप सिलेक्ट कीजिए, मैं लेता हूँ EC2 का लेता हूँ, और एक्शन क्या एक्शन चाहिए, एक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मैं अलाउड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको डिनाई करना है तो इसको स्विच कर सकते हो डिनाई की तरफ। ओके तो फिलहाल मेरे को अलाउड में करना है, तो फिर मैं यहाँ पे करता हूँ फिल्टर में मैं करता हूँ EC, और EC कर दो या फिर सीधा स्टार लिख दो, ठीक है। तो मैं सीधा स्टार लिख देता हूँ इसमें, ठीक है, नॉट माइट एक्शन। ओके वेरी गुड, लगता है EC2 ही लिखना पड़ेगा। ओके तो फिर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये रहा मेरा सिलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद सॉरी ये हमें रिसोर्स बता रहा है कि क्या क्या कर सकते हो इसमें, ये सब कुछ है, ठीक है। और उसके बाद आपका स्पेसिफिक रिक्वायर्ड कंडीशन, क्या कंडीशन ऑप्शन में है, कंडीशन में क्या क्या चाहिए, तो फिर इसमें सोर्स आईपी एड्रेस जो है स्पेशल आईपी आपका होता है, कुछ रेंज होगा उसके हिसाब से चलेगा। दूसरा होता है ये MFA रिक्वायर्ड, MFA क्या होता है, MFA बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं सिक्योरिटी के पर्पज़ के MFA बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके तो फिर यहाँ से आप सीधा क्रिएट कर सकते हो उसको, ठीक है। मैं MFA बता देता हूँ आपको, MFA क्या होता है। MFA एक्चुअली जब भी आपने देखा होगा कि अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड किसी और को बदल गया तो क्या होगा, आप घर पे बैठे रहोगे और कोई और एक्सेस कर लेगा उसे और कुछ भी काम कर देगा AWS में, फिर ब्लेम आपके ऊपर आया क्योंकि वो दिखा रहा है कि एक्सेस किसने किया, आपने किया, ठीक है। यूज़र नेम कौन से यूज़र नेम से वो लॉगिन हुआ है, आपके यूज़र नेम से लॉगिन हुआ, तो फिर सारा का सारा ब्लेम आपके ऊपर आएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग MFA जनरेट करेंगे यूज़र्स का। ओके तो फिर ये मेरा यूज़र है, ठीक है, इसको मैं क्लिक करूँगा, यूज़र्स में जाओगे, इसमें क्लिक करोगे, इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी लिखा हुआ है, सिक्योरिटी में मैं जाऊँगा,
यहाँ पे ये लिखा हुआ है असाइन एम एफ एस डिवाइस, ओके यहाँ पर नो है, एडिट में क्लिक करो और इसको वर्चुअल ले लो, सिलेक्ट कर लो और नेक्स्ट करो और इसको हाँ उसके बाद ये बोल रहा है कि आपको एक स्मार्टफोन चाहिए, स्मार्टफोन में आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसका नाम है गूगल ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर है ये सॉफ्टवेयर का नाम है, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, स्मार्टफोन में इंस्टॉल करो इसके, उसके बाद मैं इसको कर दूँगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये क्यूआर कोड दिखा रहा है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपना मोबाइल कनेक्ट करता हूँ इसमें पहले, ओके ताकि आप भी देख सको कि आपको करना क्या है वहाँ पे, ओके तो फिर मैं लिख देता हूँ आईपी अपने इसका 192.168.42.129, ओके तो ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन शेयर हो गया यहाँ पर, ओके मेरी ये बात मेरे पास आ रही है, ओके ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर ये आपको इंस्टॉल करना है गूगल ऑथेंटिकेटर, ओके ये इंस्टॉल करने के बाद आप इसको करोगे ओपन, ठीक है ओपन होने के बाद अभी ये मेरे को ये दिखा रहा है, ये मेरे को इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो मैंने इंग्लिश वर्जन बनाया था इसका, तो उसमें मैंने ये इंस्टॉल करके रखा था, तो उसी के मेरे को दिखा रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें इसमें प्लस में क्लिक करेंगे, ठीक है प्लस में क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछेगा स्कैन, सॉरी स्कैन अ बारकोड, ओके स्कैनर बारकोड में हम लोग जाएंगे, ठीक है स्कैनर बारकोड में जाने के बाद अब ये हमारा पूछ रहा है, कैमरा ऑन हो गया और ये अब हम जाएंगे कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसको स्कैन करेंगे, ठीक है कैमरा को मैंने सामने रख के इसको स्कैन कर दिया, स्कैन करने के बाद ये जो हमारा दिखा रहा है जो कोड दिखा रहा है इसको हमें यहाँ पे फिल करना है, ओके और ये 30 सेकंड के लिए होता है, तो फिर इसको आप जल्दी से टाइप कर देना यहाँ पर, ओके 875335 पहला कोड ये है, 30 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक चेंज होगा, तो मैं वेट करता हूँ चेंजिंग के लिए, सॉरी ये नहीं है, मेरा बंद हो गया, ओके वेरी गुड, मैं इसको स्कैन कर देता हूँ फिर से, स्कैन होने के बाद पहला कोड मेरे पास आया 359859 और सेकंड कोड 30 सेकंड का मेरे को वेट करना पड़ेगा, ओके थोड़ा वेट करते हैं, सेकंड कोड में थोड़ा टाइम लग रहा है, ओके सेकंड कोड आ गया है मेरे पास, सेकंड कोड है मेरा 04 1 1 6 6, ओके उसके बाद मैं जाऊंगा नीचे और यहाँ पर करूँगा एक्टिवेट, एक्टिवेट करने के बाद ये हो गया मेरा सक्सेसफुली, मैं फिनिश में क्लिक करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, अभी मेरा सिक्योर हो गया, ठीक है अब इसको मैं कोई भी छेड़ नहीं सकता, अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, डेमो वन को लॉग आउट कर देता हूँ, साइन आउट, साइन आउट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ अपने मोबाइल का स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन मेरा ये आया हुआ है, ओके क्या है लास्ट में 566, ठीक है ठीक है ये साइन आउट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से ये लिंक से कॉपी कर देता हूँ इसे और यहाँ पे डाल दो आप एंटर किया, एम एफ ए बहुत ही मतलब यूज़फुल बहुत है, सिक्योरिटी के पर्पज़ में बहुत यूज़फुल है आपके, ठीक है आपका पासवर्ड किसी को पता भी चल गया तो ये भी कोई उसको लॉगिन नहीं कर सकता, तब तक आपको मोबाइल से आपको कोड नहीं मिल जाता, ओके तो फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा अपना यूज़र का नाम ले लेता हूँ, यूज़र नेम है
डेमो वन और पासवर्ड मैं लेता हूँ, समझो पासवर्ड आपको पता है किसी और ने लॉग इन कर दिया, साइन इन किया। साइन इन करने के बाद ठीक है, यहाँ पर ये अब MFA कोड मांग रहा है, ये है इम्पोर्टेंट। अब MFA कोड कहाँ पर है, मेरा MFA कोड ये है, ये हर बार ये यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये घड़ी ये हर समय चेंज होता रहेगा, 30 सेकंड का होता है, 30 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो अभी मेरा क्या है 401504, तो फिर मैं यहाँ पर करता हूँ 401504 और मैं सबमिट कर देता हूँ। ओके, और मेरा शायद मैं थोड़ा लेट हो गया, ओके हो गया ठीक है। आजकल कंपनी क्या करती है, फूड कोर्ट में भी यही MFS का सिस्टम डाल के रखा हुआ है, तो फिर जो भी आपका फूड कोर्ट है, फूड कार्ड में भी क्या होता है कि वो कुछ भी परचेज करोगे तो फिर स्वैप करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर ढूंढना पड़ता है, ठीक है। वहाँ से आपका तो पासवर्ड जो पिन नंबर मिलता है वो ठीक है, वो आपका चेंज होता रहता है। वैसे ये MFS है, बहुत अच्छा है। अब मैं सीधा EC2 में जाके इसमें आराम से मैं अपना काम कर सकता हूँ और आपके बिना कोई और कुछ को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। बहुत ही अच्छा फ्यूचर इसमें दे रखा हुआ है। ओके गाइस, तो फिर हमारा AWS का ये वाला टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। और कुछ है हमारे पास, और कुछ नहीं है, ये चार मेन होते हैं आपके, चार में सब कुछ चलता रहेगा। ओके, और MFS है ठीक है, MFS बहुत अच्छा है, वो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा इसका थोड़ा, तो फिर आपको भी अच्छे से आ जाएगा। ओके गाइस, अगले वीडियो बनाना शुरू करता हूँ मैं, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।